टेलीविजन साइज, डिस्प्ले टाइप, बिल्ड क्वालिटी, बजट, नॉर्मल टीवी, स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी, बेस्ट ब्रांड, HD, फुल HD, 4K, 8K और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूजन होते हैं माइंड में एक बेस्ट टीवी बाय करने से पहले। बट इनमें से अगर आप कुछ भी इग्नोर करते हो तो आप भी वही मिस्टेक कर सकते हैं जो मुझसे हुई थी, जैसे वीडियो या इंटरफेस का लैग होना या हैंग होना, टीवी स्क्रीन का फ्लिकरिंग करना और स्क्रीन ब्लीडिंग होना एंड ऑल। तो इस तरह के इश्यूज उन लोगों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है जो एक सस्ता देखकर एक चीप ब्रांड का टीवी परचेस कर लेते हैं। इसलिए मैंने इस पर काफ़ी दिन रिसर्च किया और रिसर्च करके कुछ ऐसे 5 टीवी के मॉडल सिलेक्ट किए हैं जो लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी कस्टमर फीडबैक के साथ आती है। बट इसे जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक लॉन्ग लास्टिंग टीवी लेने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है बजट। जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदते हो तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बजट को ज़्यादा इंक्रीज ना करें, क्योंकि 1 से 2 साल में लोग चेंज करते रहते हैं। बट स्मार्ट टीवी के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टीवी बाय करो तो वो एक स्मार्ट टीवी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल टीवी लेते हैं तो उसमें आज के टाइम के हिसाब से फीचर्स, इंटरनेट कनेक्शन, पिक्चर क्वालिटी वगैरह नहीं मिलती। और साथ ही ध्यान रहे कि उस स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए। हमें अपने रूम के अकॉर्डिंग कितने इंच का टीवी लेना चाहिए। अगर आप 4 से 5 फीट की डिस्टेंस से टीवी देख रहे हो तो आपको 32 से 40 इंच तक की टीवी लेनी चाहिए। 5 से 6 फीट की डिस्टेंस के लिए 40 से 43 इंच की टीवी लेनी होगी और 6 से 7 फीट की डिस्टेंस के लिए आपको 50 से 55 इंच की टीवी लेनी होगी। यहाँ पे 80% से भी ज़्यादा लोग 32 से 43 इंच की टीवी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट साइज़ होता है और बजट में भी रहता है। हमें कितने रेजोल्यूशन वाला टीवी लेना चाहिए? तो मार्केट में HD, फुल HD, 4K और 8K रेजोल्यूशन वाले भी टीवी अवेलेबल है। बट इसमें आपको HD रेजोल्यूशन वाली टीवी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि आप जब भी इसमें हाई क्वालिटी वाली वीडियो प्ले करोगे तो उतना स्मूथ नहीं चलेगा और थोड़ा लैग भी देखने को मिलेगा। और 8K रेजोल्यूशन तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग प्राइस 1.5 से 2 लाख है। अगर आपका बजट कम है तो आप फुल HD वाली टीवी ले सकते हैं जो काफ़ी स्मूथ वर्क करता है। बट अगर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हो तो मैं 4K ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें आपको टॉप लेवल वाली वीडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलती है। और आने वाले 2-3 साल के बाद आपको 4K टीवी की ही ज़रूरत पड़ेगी। टीवी का जो डिस्प्ले है उसके अंदर जो बैकलाइट्स लगे होते हैं वो 3 टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसमें पहला है LED टेक्नोलॉजी। डिस्प्ले के सबसे लास्ट में LED बैकलाइट्स लगा हुआ होता है और उसके बाद कुछ फिल्टर्स और कलर फिल्टर्स लगे होते हैं ताकि स्क्रीन पर एग्जैक्ट कलर सेपरेशन निकल कर आए। इसमें बस एक ही कॉन्स है कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में कोई ब्लैक सीन आता है तो वो 100% ब्लैक नहीं दिखता, थोड़ा ग्रे जैसा दिखता है। इसीलिए फिर QLED टेक्नोलॉजी को लाया गया, जिसमें क्वांटम डॉट्स का फिल्टर यूज़ किया गया है, जिससे ब्लैक कलर 100% ब्लैक ही दिखता है और कलर सेपरेशन भी काफ़ी रिच दिखता है। तीसरा आता है OLED टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में आपको अलग अलग फिल्टर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें सभी फिल्टर को LED लाइट के साथ मर्ज कर दिया है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा पिक्सल एक्यूरेसी, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और कलर डेफिनेशन मिल पाता है। इसमें जैसे ही स्क्रीन पे कोई लाइट सीन आता है तो सिर्फ वही LED ऑन होता है जिसका नीड होता है। इसीलिए ये OLED टीवी बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो जाता है। सो अगर आपका बजट कम है तो LED टीवी बेस्ट है आपके लिए। बट अगर आपका बजट 40 से 50 हज़ार है तो आपको QLED टीवी मिल जाएगा, और OLED टीवी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है तो इसे मैं रिकमेंड करूँगा नहीं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप टीवी ले रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1 से 2 GB रैम और 8 से 16 GB स्टोरेज होना चाहिए। पोर्ट्स की बात करूं तो एटलीस्ट 2 HDMI और 2 USB पोर्ट होना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। और लास्टली ध्यान रखना कि आपको उन ब्रांड्स की स्मार्ट टीवी लेनी है जिसकी कस्टमर फीडबैक काफ़ी अच्छी हो, जो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के मैं 5 बेस्ट ऑफ बेस्ट स्मार्ट टीवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है PCL P635 LED स्मार्ट टीवी। तो सबसे पहले आप इसका डिज़ाइन देखो तो काफ़ी स्लिम और मेटालिक बेजल लेस में बना हुआ है, मतलब इसमें बेजल आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, जिससे ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेटर हो जाता है। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूँ तो इसमें HDR10 का सपोर्ट मिलेगा ताकि पिक्चर और भी ज़्यादा डिटेल प्रेजेंट कर सके।
डायनेमिक कलर इन्हेंसमेंट मिल जाएगा ताकि मैनुअली अपने हिसाब से पिक्चर का कलर एडजस्ट कर सके, और साथ ही मैक्रो डीमिंग का फीचर दिया गया है ताकि वीडियो के हिसाब से ब्राइटनेस और डार्कनेस को एडजस्ट कर सके। और इसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा जो मूवीज और 4K कंटेंट के लिए एनफ है। ये मॉडल एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है जिसमें आपको गूगल टीवी का भी सपोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर टीवी में कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले गूगल टीवी वाले मॉडल में अपडेट देखने को मिलता है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, इनबिल्ट वाईफाई, ब्लूटूथ, गूगल असिस्टेंट, स्क्रीन मिररिंग वगैरह मिल जाता है। ऑडियो की बात करूं तो 24W का डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है जिसकी साउंड क्लियरिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। कनेक्टिविटी पोर्ट की बात करूं तो इसमें 3 HDMI, 1 USB, 1 RJ45 और 1 हेडफोन जैक मिल जाता है। TCL इस टीवी पे 2 साल की वारंटी देती है और ये मॉडल 32, 43, 50 और 55 इंच के साथ अवेलेबल है। बट कितने इंच के टीवी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन, प्राइस, ऑडियो वाट, पावर वाटेज वगैरह। इस टीवी का प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो इसका पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। प्राइस ठीक ठाक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट इसका जो कस्टमर सर्विस है वो थोड़ा स्लो है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, और इसमें अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा लैग भी देखने को मिलेगा। बट अगर आपको गेमिंग से कोई मतलब नहीं है तो इसे आप बाय कर सकते हैं, जिसका सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, जहां से आप इसका करंट प्राइस भी जान सकते हैं और इसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है OnePlus Y1S स्मार्ट LED TV। अगर आपका बजट भी कम है और आपको एक अच्छी ब्रांडेड टीवी भी चाहिए तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। ये भी बेजल लेस डिज़ाइन के साथ आता है जिसका बैक साइड प्लास्टिक का बना है। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको एंटी एलियासिंग, गामा इंजन, HDR10 और 10 प्लस का भी सपोर्ट मिल जाता है ताकि पिक्चर क्वालिटी को और भी बेटर कर सके। इसमें स्मार्ट मैनेजर मिलता है जहाँ से आप इसका जंक फाइल वगैरह क्लीन कर सकते हैं और स्क्रीन टाइम वगैरह देख सकते हैं कि डेली कितने आवर्स तक टीवी ऑन रहता है एंड ऑल। और मुझे इसमें सबसे अच्छा OnePlus कनेक्ट फीचर लगता है। मतलब अगर आपके पास OnePlus का कोई स्मार्ट वॉच, एयरबड्स या मोबाइल फ़ोन है तो टीवी आप इन डिवाइसेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये सब नहीं है फिर भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 मिल जाता है और OnePlus अपने टीवी पे 3 ईयर्स तक अपडेट देती ही रहती है, विच इज़ गुड थिंग। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 2GB रैम, 8GB स्टोरेज, 64-bit प्रोसेसर और 60Hz का रिफ्रेश रेट, गूगल असिस्टेंट, क्रोम कास्ट, ब्लूटूथ, ड्यूअल बैंड वाईफाई वगैरह मिल जाता है। ऑडियो की बात करूँ तो इसमें 24W का डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है जो कि काफ़ी लाउड है। कनेक्टिविटी पोर्ट की बात करूँ तो इसमें आपको 3 HDMI, 2 USB और 1 RJ45 पोर्ट मिल जाता है। OnePlus इस टीवी पे सिर्फ 1 साल की ही वारंटी देती है और ये मॉडल 32, 43, 50 और 55 इंच के साथ अवेलेबल है। बट कितने इंच के टीवी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, सराउंडिंग डॉल्बी साउंड मिल जाता है, इजी ऑफ यूज़ है क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। बट जब आप इस टीवी को साइड एंगल से देखोगे तो स्क्रीन उतना क्लियर नहीं दिखेगा, और कुछ कस्टमर का कंप्लेन है कि टीवी में कभी कभी लैग देखने को मिलता है, जो मे बी न्यू अपडेट से इसे फिक्स किया जा सके। इस स्मार्ट टीवी का भी सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना गाइज। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है सोनी ब्राविया X74K LED स्मार्ट टीवी। अगर आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी वाली टीवी लेनी है तो सोनी ब्राविया से बेटर ब्रांड कोई नहीं है। इस टीवी का फ्रेम प्लास्टिक का बना है जो काफ़ी हेवी और स्टडी है, बट इसमें बेजल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा बाकी मॉडल्स के मुकाबले। और इसके डिस्प्ले फीचर्स की बात करूँ तो ये एक 4K टीवी है जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और सोनी इस मॉडल में खुद का ही X14K प्रोसेसर का यूज़ करता है जिससे पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और इसमें 4K HDR का सपोर्ट मिलेगा, लाइव कलर टेक्नोलॉजी मिलेगी, और इसमें 4K अप स्केलिंग के लिए X Reality का फीचर मिलेगा, और साथ ही मोशन फ्लो का भी फीचर मिल जाता है स्पोर्ट वगैरह देखने के लिए। ये एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है जिसमें आपको गूगल टीवी का भी सपोर्ट मिल जाता है, और इस टीवी को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एंड्रॉयड 11 में भी अपडेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो सोनी अपने टीवी पे रैम कभी भी डिक्लेयर नहीं करता है, बट इसमें आपको 16GB स्टोरेज, X1 प्रोसेसर, गूगल असिस्टेंट, क्रोम कास्ट, एप्पल एयर प्ले, ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह मिल जाता है। ऑडियो की बात करूँ तो इसमें 20W के डॉल्बी ऑडियो मिल जाते हैं, और कनेक्टिविटी पोर्ट्स में आपको 2 HDMI, 2 USB, 1 हेडफोन जैक और 1 एंटीना पोर्ट मिल जाता है, और इसके बैक साइड पे आपको एक और HDMI
और एक RJ45 मिल जाता है। सोनी इस टीवी पे एक साल की वारंटी देती है और ये मॉडल 43, 55 और 65 इंच के साथ अवेलेबल है। और किस में क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। एक्सेलेंट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी इसमें, 4K कंटेंट स्ट्रीम काफ़ी स्मूथली प्ले होता है इसमें, पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है जिससे टीवी लैग नहीं करता, बट इसका साउंड ज़्यादा लाउड नहीं है और कॉस्टली भी है थोड़ा ये, और इस कॉस्ट के अकॉर्डिंग वारंटी भी बहुत कम प्रोवाइड कर रही है सोनी। बट ये अगर आपके लिए ज़्यादा बड़ा कॉन्स नहीं है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, जिसका लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। ओके सो मेरे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है हाइसेंस A6GE LED स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी की बात हो रही है और हाइसेंस इस लिस्ट में ना हो ये पॉसिबल नहीं है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है क्योंकि ये काफ़ी स्लिम है और इसमें भी बहुत कम बेजल देखने को मिलता है। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूँ तो ये भी 4K टीवी है और 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें आपको विविड पैनल और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है और साथ ही HDR10 और अल्ट्रा डीमिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं ताकि परफेक्ट डायनेमिक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सके। इसमें एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसे आप बाद में इंस्टॉल करके इसे अपडेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, क्वाड कोर प्रोसेसर, गूगल असिस्टेंट, क्रोम कास्ट, ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह मिल जाता है। ऑडियो की बात करूं तो इसमें 30 वाट्स के लॉर्ड साउंड मिलेंगे डॉल्बी एटमोस के साथ ताकि आपको एक सराउंडिंग इफेक्ट मिल पाए। और कनेक्टिविटी पोर्ट इसमें 3 HDMI, 2 USB, एक RJ45 और एक एंटीना पोर्ट मिल जाएगा। हाइसेंस इस टीवी पे 2 साल की वारंटी देती है और ये मॉडल 43 और 50 इंच के साथ अवेलेबल है। और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो इसका ओवरऑल डिस्प्ले में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी रिच निकल कर आता है, विच इज़ गुड थिंग। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी और परफेक्ट लॉर्ड साउंड क्वालिटी मिलता है। बट इस मॉडल में अभी तक एंड्रॉयड 9 वर्जन ही चल रहा है जबकि बाकी ब्रांड्स 10 और 11 के साथ आ रही है। और हाइसेंस का आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा फास्ट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इंडिया में ये ब्रांड 2020 में ही आया है, बट ग्लोबली ये काफ़ी बड़ी ब्रांड है। इस स्मार्ट टीवी का भी सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है गाइस। ओके सो लास्टली जो मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वो है मी 5X सीरीज स्मार्ट LED टीवी। इंडिया में अगर जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट टीवी सेल होता है तो वो है मी यानी Xiaomi ब्रांड्स के टीवी, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ही वो पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है जो सोनी और सैमसंग के कॉस्टली टीवी में होते हैं। और इंडिया में इसका कस्टमर सर्विस भी काफ़ी बेटर हो गया पहले से। तो सबसे पहले आप इसका डिज़ाइन देखो तो काफ़ी प्रीमियम लुक और मेटल बेजल लेस फ्रेम के साथ आता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये टीवी पूरा मेटल का बना है, बट रियलिटी ये है कि इसका फ्रेम सिर्फ मेटल का बना है और इसका बैक साइड प्लास्टिक का बना है जो कि अच्छी क्वालिटी की है। डिस्प्ले फीचर्स की बात करूँ तो ये भी 4K टीवी है जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें 4K HDR10+, डॉल्बी विजन और विविड पिक्चर इंजन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं ताकि आपको परफेक्ट कलर कॉन्ट्रास्ट और पिक्चर क्वालिटी मिल सके। इसमें रियलिटी फ्लो का फीचर मिलता है जिससे कुछ हद तक मोशन ब्लर को कम कर सकते हैं जब भी आप कोई स्पॉट वगैरह देख रहे हैं। और इसमें आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे आपके रूम के लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगा, विच इज़ गुड थिंग। ये मॉडल लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 के साथ आता है और इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, ड्यूल बैंड वाईफाई, गूगल असिस्टेंट, क्रोम कास्ट और ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। इस टीवी में सबसे इंटरेस्टिंग इसका ऑडियो है जो कि 40 वाट्स के साथ आता है और डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब ये श्योर है कि आपको इस टीवी में अलग से साउंड बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें 3 HDMI, 2 USB, एक ऑडियो जैक और कुछ AV इनपुट, ऑप्टिकल, RJ45 और एंटीना पोर्ट वगैरह मिल जाता है। Xiaomi इस टीवी पे 2 साल की वारंटी देती है और ये मॉडल 43, 50 और 55 इंच के साथ अवेलेबल है। और किस में क्या क्या डिफरेंसेज है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी इम्प्रेसिव है, बजट फ्रेंडली है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो रिमोट है उसमें काफ़ी लिमिटेड बटन्स दिए हैं सो इसे ज़्यादा आप इजी ऑफ कंट्रोल नहीं कह सकते। बट हाँ, अगर आप इसका कस्टमर रिव्यू देखो तो 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 4.3 स्टार की रेटिंग दी है, जिससे पता चलता है कि ये टीवी वैल्यू फॉर मनी है। और हाँ गाइस, मैंने सभी स्मार्ट टीवी का सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो एक बार सभी को ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि वेबसाइट पे हमेशा स्मार्ट टीवी पे अच्छी अच्छी सेल चलती ही रहती है। सो आई होप टीवी से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और इस चैनल पर मैं हमेशा इसी तरह का डिटेल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ऐसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिए क्योंकि फ्यूचर में हमेशा काम ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।